अमावस्या रिलेटेड रिचुअल्स की बातें वो। कि आज है पैंट्री ऑर्गेनाइजिंग, जो जगह है आपकी उससे जुड़ा एक बहुत अच्छा वास्तु टिप। ये आप आराम से लिख लीजिएगा और इसको भी, और टाइमिंग्स भी लिख दी हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। सो वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के विशेष अभी तक आ रहे हैं फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 1K। गेटिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ मैसेजेस इन माय इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। आज है एक नया दिन, पूजा पाठ, नहाना सब कुछ हो गया है, घर साफ सफाई हो गई है। तो आज मैं करने लगी थी, एक्चुअली क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। कल रात को जब मैंने वो हल्दी दूध बनाया, वो मेरा किचन का लास्ट कुकिंग पार्ट रहता है, उसके बाद मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। हल्दी दूध हो गया, सबको दे दिया, तो मैं उसको बेसिन में रखने आई कि अब मैं धो लेती हूँ, क्योंकि डिशवॉशर मैंने कल ऑन कर दिया था। और फिर देखिए कि मैंने क्या देखा। तो हल्दी दूध का बर्तन धोने आई और देखा नल के पीछे ऐसे स्टेन्स आ गए, कैसे खुरदरापन है, यहाँ पे भी एकदम गंदा गंदा सा है, स्टोव के ऊपर भी एकदम ना सारे मार्क्स है। तो बस एकदम दिमाग में आ गया, बस देखा ना आपने कितना मुझे दिखा यहाँ वहाँ स्टेन्स एंड ऑल। पता, मुझे एक बार लगा कि मैं रात को ही करूँ, फिर यार मजुमदार ने एकदम अगला कर बोला, पगला गई है कि अभी तू रात के 11:30 बजे ये काउंटर टॉप करना शुरू करे। तो काउंटर टॉप जो है काफ़ी बड़ा सा है और उस पर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को टाइम भी लगता। फिर मैंने कहा यार नहीं, आवाज़ वगैरह होगी तो ट्विंस भी उठ जाएंगे, तो मैं कल करती हूँ। तो पता है आज सुबह से एकदम कुछ और नहीं दिख रहे थे, वो घोड़े का ऐसे चश्मा होता है ना कि उसको यहाँ वहाँ ना दिखे, तो मेरे को भी ऐसा था कि बस आज इन लोगों को नाश्ता पानी पूजा पाठ सब करके मैं काउंटर टॉप करूँगी। तो मुझे पता है मेरे किचन ब्लॉग के बाद, मैं अपना किचन ब्लॉग का दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो मुझे कई मैसेजेस आए थे कि माला आप कैसे साफ सफाई करते हो, आप अपने काउंटर टॉप में आपने इस तरह से सब कुछ रखा भी हुआ है, देन टू यू हैव सो मच ऑफ स्पेस, तो कैसे क्या करते हो। तो मुझे तब वो था ही मेरे बैक ऑफ द माइंड में कि कभी मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो सिंस टुडे इज़ द डे आई हैव टू क्लीन माई काउंटर टॉप ऑल्सो, एंड येस क्लीनिंग किससे करेंगे, वही वाले, एक मिनट दिखाती हूँ, अपना होममेड जो हमने डिसइंफेक्टेंट बनाया। हल्दी दूध के ऊपर भी मुझे कई मैसेजेस आए थे कि आप कैसे क्या बनाते हो, तो हल्दी दूध का मैं एक बार दिखा भी दूंगी कि कैसे बनाती हूँ। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप रात में हल्दी दूध बनाएं उसमें पेपर ज़रूर दीजिएगा, गोल मिर्च जो है वो हल्दी के जो फ़ायदे हैं, गुण हैं, उनको एनहांस करती है। तो चलिए अब और समय वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं। और पता है आज मैंने बहुत अच्छा एक कोट पढ़ा कि बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर, है ना अमेजिंग। तो आज वो कोट पढ़ के खुद को वॉरियर सा फील हो रहा है कि एकदम रानी की झांसी बन के आज आक्रमण करो किचन काउंटर टॉप पे। सो किचन काउंटर टॉप साफ करने के पहले आप देख लीजिए एक बार इसकी हालत, ठीक है, ये ऐसा है। और स्पेशली ये सब भी आज कपड़ा वगैरह सब साफ करूंगी, और ये भी यहाँ पे। एंड आई होप कि ये जो ब्लॉग होगा वो आपको भी मोटिवेट करेगा, जैसे आप लिखते हो कि माला तुम्हारा बालकनी डेकोर देख के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, मैंने भी कर दिया। तो इस तरह से आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा। और यस, आज का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज है पैंट्री ऑर्गेनाइजिंग, जो जगह है आपकी उससे जुड़ा एक बहुत अच्छा वास्तु टिप। और रहेंगी सूर्य ग्रहण रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, टाइमिंग्स और अमावस्या रिलेटेड रिचुअल्स की बातें, वो व्लॉग के आखिर में रहेंगी, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। आज तो बिल्कुल भी एक सेकंड बीच में आप उठकर मत जाइएगा, जैसे ही व्लॉग आता है चाय की कप या कॉफी का प्याला लेके बैठ जाइएगा। तो सबसे पहले मैंने जो है काउंटर को खाली करना शुरू किया और सारी जो चीज़ें हैं वो एक एक करके उसके सामने जो डाइनिंग टेबल है उस एरिया में रखना शुरू किया। एंड द क्रॉकरीज एंड ऑल एवरीथिंग इज़ टू बी केप्ट केयरफुली, तो मैं ये सब खाली करती गई एक एक करके। इसके बाद आई ये सब बॉटल्स, मेरा जो कॉफ़ी टी स्टेशन है, सब कुछ मैंने एक एक करके सब पूरा काउंटर जो है खाली कर दिया। इसके बाद बेसिन एरिया में नाश्ते के बर्तन थे उनको भी खाली करके डिशवॉशर में डाल दिया। ये
काउंटर जो है मेरा वो मैंने खाली कर दिया है और अब मैं इसको करूंगी मेरे वही होममेड डिसइंफेक्टेंट से साफ। उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और जो सारा सामान है मेरे काउंटर का वो सब मैंने अभी यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। जब काउंटर पूरा खाली हुआ तब लगा कि इसके ऊपर कितनी सारी चीजें थी। एनीवेज चलिए इसको अभी स्क्रबर से और अपने उसी होममेड डिसइंफेक्टेंट से मैंने साफ किया और इतनी अच्छी चमकी ना ये इसके बाद कि ऊपर का जो मेरा झूमर का जो लाइट है ना उसका रिफ्लेक्शन भी आप देख पाएंगे। तो इसको अब गीले कपड़े से मैंने साफ करने के बाद इसको एक बार ही फिर लास्ट में सूखे कपड़े से भी पोंछ डाला। काउंटर जो है एक तरफ का टिल मेरे माइक्रोवेव तक का मैंने पूरा साफ कर लिया है। जो चीज़ें जो इसमें लेआउट होंगी वो मैं करूँगी, तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती है। मैंने आपको मेरे किचन व्लॉग में भी बोला था, मैंने जो है अपना रसोई अपने सुविधा के हिसाब से सजाया है। आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो है, मैं बोलती हूँ ना 24 घंटे में 19 घंटा लगता है रसोई में ही होता है, बिकॉज खाने बनाने का बहुत शौक है और झटपट कुछ कुछ रेसिपीज़ हो। एंड रेसिपीज से याद आया, थैंक यू सो मच, मेरे बेकिंग और रसगुल्ला वाला जो व्लॉग था वो आपने इतना आपको अच्छा लगा। एंड स्पेशली आप सब ने, ज़्यादातर जो है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने यही लिखा है कि द रेसिपीज़ आर वेरी ईजी, द बेकिंग लुक सो ईजी, तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ऐसे ही देते रहिएगा। जो है ये काउंटर भी सूख गया है, अब इसमें जो है आप देखिएगा मैं चीज़ें कैसे रखती हूँ और कैसा इसमें भी मेरा स्पेस मैं निकालती हूँ। सो नाउ लेट्स स्प्रेड द थिंग्स, देन आई विल गो टू माइक्रोवेव एरिया, दैट एरिया, द गैस एरिया एंड दैट दिस एरिया। तो है ना मेरे साथ, करते हैं ना काम। तो काउंटर टॉप सूखने के बाद वहाँ पे मैंने रोज़मर्रा में जो यूज़ होती हैं मेरी क्रॉकरी प्लेट्स वो और क्वार्टर प्लेट्स वो रख दी, साथ में पेस्टल मॉर्टर और जो बोल्स थी, फिर मेरा जो फ्लावर बास्केट, कटलरी स्टैंड और ये चारों जार भी मैंने पूंछ पूंछ के रख दिए, इनमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। फिर साथ में मेरा जो टिश्यू होल्डर, फिर ये जो एग होल्डर है ये भी DIY है, ये रख दिया। फिर फ्रूट बास्केट, फिर रोज़ में जो हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर का जो चीज़ें हैं वो सब रख दी, मेरा टी कॉफ़ी स्टेशन रख दिया, साथ में शुगर और यस ये वेइंग स्केल है, यहाँ पे मैं कुछ कुछ खाने का वेट करके बनाती हूँ। और फिर अब आ गई हूँ मैं माइक्रोवेव साफ़ करने के ऊपर का जो है वो साफ़ करने के इधर। यहाँ पे मैंने कपड़ा चेंज किया और ये रोज़ में मेरी जो यूज़ होती है मसाले की शीशियाँ ये सारी मेज़न जार्स यहाँ पे रख दी। और अब मैं इसके बाद जो है ऑयल जो मेरा कंटेनर है उसको देखा मैंने, वो भी बहुत गंदा हो गया था, उसको भी मैंने माँज दिया और इसको माँज के धो के अच्छे से पोंछ के अब इसमें मैं फिर से माइक्रोवेव के उधर पे इसमें सारे ऑयल्स रख दूंगी। ये देखिए इधर पे मेरे सारे ऑयल्स रहते हैं, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और होममेड घी, इस तरह से ये सब भी मैंने पोंछ के रख दिया। किचन काउंटर साफ करते करते एक और बात आपको बतानी है, देखिए ये वाली जो शर्ट है ना ये मैंने बीच में पहननी बंद कर दी थी बिकॉज इट वॉज रियली फिटिंग टाइप हो गई थी, बट अब देखिए तो वही फैट बर्नर ड्रिंक, यस। तो फैट कटर ड्रिंक और डिटॉक्स ड्रिंक्स जो जो था वो वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी दे दूंगी, पिन कर दूंगी। आप लोग जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं सब देख लीजिएगा और लेना शुरू कर दीजिएगा, फैट कटर ड्रिंक इज रियली इफेक्टिव। अब गैस की उस तरफ का तो साफ हो गया था माइक्रोवेव और ये तेल वगैरह, अब इस तरफ आ जाते हैं। ये मेरा नॉर्थ एरिया है और यहाँ पे मैंने माँ अन्नपूर्णा को विराजमान किया हुआ है तो इसको भी मैंने साफ कर दिया। और अब आती है स्टोव की बारी, इस पे मैंने लिक्विड डाल के रखा और इससे इसको अच्छे से चमका दिया। और अब इसमें मैंने अपना मेजन जार, स्पून रेस्ट और एक लैडल रख दिया। और अब है बेसन की बारी, बेसन को भी अच्छे से उसी डिसइंफेक्टेंट से पूरा देखिए चक चक कर दिया एकदम, और ये हो गया है बिल्कुल हाइजीनिकली क्लीन। और लगे हाथों जो है वो स्क्रबर भी मैंने जो है चेंज कर दिया। एप्रन खोलने का टाइम आ गया है, करीब 1.25 घंटा लग गया, सब कुछ हो गया, बस एक काम बाकी है वो भी आपके सामने ही करूंगी। ये जो कपड़े जो हैं जिससे सफाई हुई है वो भी अपना क्या बोला था मैंने, जो अपने तरीके से हम लोग धोते हैं वैसे आपके सामने ही धो लूंगी। ये वाला पैन जो है मैंने ये सब कपड़े वगैरह धोने के लिए बनाया हुआ है, तो अभी इस पैन में हमने डाला पानी और डालेंगे थोड़ा सा सर्फ एंड यस द मैजिकल थिंग इज विनेगर।
ये बहुत पता है इफेक्टिव वे है। मैं आपको एक बहुत पते की बात बताती हूँ। एज पर वास्तु बोला जाता है, जिस घर की रसोई घर साफ सफाई ऑर्गेनाइज्ड हो, वहाँ माँ लक्ष्मी का जो है स्थिर निवास बिल्कुल बना रहता है। ये आपसे बात करते करते ये भी उबल गया, ये थोड़ा सा और उबलेगा। गैस स्टोव कर दिया बंद और पैन को ले जाकर बेसिन में रख दिया। जब तक मैं इसमें कुछ चॉकबोर्ड में लिखती हूँ, आप जाके देखिए कि जिस दिन बालकनी डेकोर किया था उस दिन मैंने अपना पैंट्री जो मेरा ऑर्गेनाइज्ड जो एरिया है उसकी भी सफाई की थी, वो किस तरह से क्या मैंने कैसे रखा। उसके बाद आप आइए और उसके बाद मैं ये भी दिखाती हूँ, अपना पूरा काउंटर भी दिखाती हूँ और आप सबको जो बेसब्री से वेट है यस वो टिप भी बताती हूँ। इस जगह में मेरी जो है सरप्लस जो ग्रोसरी की चीज़ें वो रहती हैं और यहाँ पे इतना गंद फैला हुआ था कि मैंने दो एक्स्ट्रा जो मेरे स्टोरेज बॉक्सेस थे उनको किया साफ और उनको अच्छे से फिर यहाँ पे रखकर एक एक करके सारी ग्रोसरीज अच्छे से इनमें फिट कर दी। देखिए अब ये मोर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। एक और डब्बा लिया, उसमें भी सारे मसाले वगैरह अलग से रख कर उसको भी रख दिया और अब ये ना मुझे बहुत सही एकदम सलीके से लगा हुआ लग रहा है। देखिए आप इस तरह से सारी ग्रोसरीज मेरी जो एक्स्ट्रा सरप्लस रहती हैं वो रख दी मैंने। तभी तो कहा जाता है किचन इज द हार्ट ऑफ द होम और मुझे तो कुकिंग का बेहद शौक है तो आज चॉकबोर्ड में यही लिख दिया। पसीना आता है ना, दीज आई कॉल्ड एज गोल्डन ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स, ये तो सुनहरी बूंदे हैं हमारी मेहनत की। और अब देखिए मेरी रसोई। काउंटर टॉप दिखाने के पहले इन लोगों को तो बिठा दूं, तो मेरे हो हो सैंटा और गणपति बप्पा इन दोनों को बिठा दिया। तो चलिए अब देखते हैं काउंटर टॉप। सो रसोई का श्री गणेश किया माँ अन्नपूर्णा को दिखाते हुए। यहाँ पे देखिए ये मेरा नॉर्थन साइड है और यहाँ से देखिए इतना अच्छा सफाई हुआ है कि देखिए ऊपर जो शैंडेलियर का बल्ब का रिफ्लेक्शन है वो भी आप देख पा रहे हैं। ये तो आपने पहले ही देख लिया है, यहाँ पे ये सब मैंने रख दिया है अच्छे से। और ये पता इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी ना स्लैब के ऊपर से। और यहाँ पे मैं कॉपर ग्लास में अपने लिए पानी भी भर के रखती हूँ। ये मेरे रोज़ के जो यूज़ होने वाली क्रॉकरीज हैं और ये पेस्टल मोटर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे कुकिंग में। और ये माइक्रोवेव के पास आपने देखा ऑयल कंटेनर स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया था। ये मेरे चॉप चॉप का जो स्टैंड है और साथ में लैडल स्टैंड। यहाँ पे मेरी सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें रहती हैं, बेकरी की चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे मैंने एक मनी प्लांट रखा है सिंस इट्स अ नॉर्थ साइड और नॉर्थ साइड है बोल के यहाँ पे शिव जी को भी रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरा जो है काउंटर टॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। देखा वो पैंट्री ऑर्गेनाइज मैंने किस तरह से किया। तो इस तरह से आपके घर में भी जो अन्न भंडार है जहाँ आप रखते हैं, द टिप इज दैट ट्राई टू कीप दैट योर साउथ वेस्ट कॉर्नर। मुझे लगता है साउथ वेस्ट कॉर्नर इसलिए बोला जाता है क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है सीलन नहीं होती है, सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती। तो हो सकता है पुराने ज़माने में वो लोग देखते होंगे कि भाई इस तरफ रखने से, इस दिशा में रखने से जो है चीज़ें बर्बाद नहीं होती हैं। यहाँ आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो इस तरह से आपका ओके है कि आप वहाँ पर रख सकते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर रखिएगा और फिर मुझे फ़र्क बताइएगा। तो आशा करती हूँ ये वाला टिप आप ज़रूर आजमाएंगे। साथ में एक और टिप है, ये वाला जो मंत्र है ये आप आराम से लिख लीजिएगा और इसको भी अपने अन्न भंडार में चिपका के रखिएगा। आई होप आपको आज का ये जो किचन काउंटर टॉप जो क्लीनिंग था एंड देन यू नो किस तरह से रखकर आप अपनी सुविधा अनुसार कैसे आप सजा सकते हैं और फिर भी इतना स्पेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपको अच्छा लगा हो। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो दे दीजिएगा लाइक। अगला व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि 1K सब्स होने की वजह से मैं भी तो अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ रिटर्न गिफ्ट दूंगी। तो रहेंगी अमेजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और वेल्थ रिलेटेड बहुत प्यारी एक टिप। तो सब्सक्राइबर्स आपके अपने बरकत और अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस हार्मनी और वेल्थ के लिए अगला व्लॉग जरूर देखिएगा। और हाँ 10 तारीख को वट सावित्री पूजा है, सबको मेरी तरफ से वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यस 10 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है तो टाइम सूर्य ग्रहण रिलेटेड जो आपने करना है वो सब मैंने स्क्रीन में लिख दिया है और टाइमिंग्स भी लिख दी हैं तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। और अमावस्या का जो मैंने व्लॉग में बोला था ना न्यू मून रिचुअल्स, वो वाला व्लॉग देखकर जो जो बोला है वो सारे रिचुअल्स जो 2-3 है वो करिएगा एंड स्पेशली टॉयलेट सॉल्ट चेंज। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट दोनों में दे दूंगी। आप लोग मुझे अपनी जो प्यारी प्यारी मैसेजेस और फोटोज इंस्टा इनबॉक्स और फेसबुक इन मैसेजेस में देते हो, थैंक यू सो मच। आने के पहले फिर वही बात,
पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला। ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। आपके फीडबैक के इंतज़ार में है मेरी रसोई। और जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। रसोई की सफाई तो हो गई चक चक चक, अब बनाऊंगी एक कप कॉफी।